तो आज हम जिस सेक्टर को दिखाने जा रहे हैं वो है सेक्टर 16B, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आता है। और जिस रास्ते में जा रहा हूँ ये ग्रेटर नोएडा का ये गौर चौक है, ये गौर चौक है, इसको चार मोती चौराहा भी बोलते हैं। अगर आप कभी सिटी सेंटर से आएंगे तो ये चार मोती चौराहा है। यहीं से सीधा आपको मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सेक्टर 16B आ जाता है। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे एक मोती की तरफ। अगर इस बीच में आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं आप लोगों को दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पर गौर सिटी मॉल्स दिख रहे हैं। तो ये टोटल हाई राइज सोसाइटीज़ हैं इस रूट पर। आप लोगों को लेफ्ट में राइट में दोनों साइड में आप लोगों को हाई राइज सोसाइटीज़ दिख जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर और रेजिडेंशियल सारे फ्लैट हैं। ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड का, तो बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पर। तो हम इसी रास्ते जाएंगे सीधा एक मूर्ति, और एक मूर्ति से जो सेक्टर 16B का जो डिस्टेंस है वो मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो ये वो रास्ता है जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना डेवलप्ड एरिया है ये। तो आज हम सेक्टर 16B के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 1.5 साल पहले मैंने सेक्टर 16B के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। बट इस समय मैं दोबारा इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग देखें कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, और इस समय क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पर, और डेवलपमेंट अगर नहीं हुए हैं तो क्या रीज़न है, उस सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए एक बार हम देखते हैं उस सेक्टर को, तब तक आप लोग बाय रोड ये देखिए कि किस तरीके से हम जाते हैं। अगर आप भी कभी आएंगे तो आपको इजी होगा वहाँ पर पहुँचना, इसलिए मैं आप लोगों को बाय रोड दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं पहुँच गया एक मूर्ति, ये एक मूर्ति का चौक है ये, और यहीं से हम लेफ्ट लेंगे। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सेक्टर 16B है, और देख सकते हैं कि लेफ्ट में कितने बड़े बड़े मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट हैं, ये सब हाई राइज सोसाइटी हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर मेट्रो आ रहा है, गौर चौक और एक मूर्ति तक तो मेट्रो आ रहा है। तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को आना जाना और दिल्ली में सफ़र करना। तो देखिए जैसा कि अब देख रहे हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं सेक्टर 16B। आने वाले टाइम में बेहतरीन लोकेशन हो गई है, ग्रेटर नोएडा का बेहतरीन लोकेशन है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं, उस तरीके से ये सारे लोकेशन बहुत बेहतरीन होंगे। और आज अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा मौका होगा डबल ट्रिपल पैसे अर्न करने का। मतलब यहाँ पर ये देखिए मैं पहुँच गया, और यहीं से हम अब राइट लेंगे और सामने आपको सेक्टर 16B है ये, यहीं से ये देखिए हमने यू टर्न लिया और यहीं से लेफ्ट में सामने सेक्टर 16B है। तो हम आ गए हैं ये सेक्टर 16B में। अब जैसे ये मेन रोड था, ये सेक्टर 16B का ये मेन रोड है, और जितने भी यहाँ पर रोड हैं वो मेन रोड 12 मीटर का है। ये जो मेन रोड है ये 12 मीटर का है ये, और अगर हम रोड की बात करें तो सबसे कम है 6.5 मीटर का है, तो 7.5 मीटर का है, 9 मीटर का है यहाँ पर रोड। और डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे आज से मैं 1 साल पहले मैंने देखा था। तो डेवलपमेंट आज भी कुछ खास नहीं हुआ है, बट ये क्यों नहीं हुआ है, इसका क्या रीज़न है, मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल्स लेंगे कि आखिर क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या रीज़न है डेवलपमेंट का।
तो फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ, बाकी आगे हम उनसे भी डिटेल्स लेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स लेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर जो अभी साइज है वो 60 मीटर से लेके 2000 मीटर तक के साइज़ है यहाँ पर, और रेट तकरीबन 28,000 रुपये मीटर से स्टार्ट होता है और 45,000 रुपये मीटर तक के हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अभी सर्कल रेट चल रहे हैं वो 18,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पर सर्कल रेट चल रहे हैं। अगर ट्रांसफ़र चार्जेस की हम बात करें तो 602 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ट्रांसफ़र चार्जेस लगा। ये देखिए अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे बिजली तो आ गई है, बिजली आ गई है, तो ये सारे सेक्टर हैं। कुछ लोगों ने बनवा भी रखा है, अगर आप इधर देखेंगे लोगों ने बनवा भी रखा है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तकरीबन 2.5 फ्लोर और आप बना सकते हैं, मतलब देखा जाए तो ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक का 3-3.5 फ्लोर तक का आप बना सकते हैं। और ये 6% किसान कोटे की ज़मीनें हैं। यहाँ पर आपको स्कूल भी दिख जाएगा, रामा देवी स्कूल है, जैसे इसी के अंदर ही है, इस सेक्टर के अंदर ही है। यहाँ पर ये देखिए किसी का है ये जो ये बनवा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप देख रहे हैं, अभी रहने के लायक तो नहीं है, बट ये है कि आप ले के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप छोड़ सकते हैं और आने वाले 2-3 सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट आप लोगों को दिखेगा, तो आप लेकर छोड़ सकते हैं और अच्छा डेवलपमेंट होगा इन 2 सालों में, अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर सामने हम बात करें, देखिए हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, मेरे साथ जो हैं वो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं, वो इस सेक्टर में डीलिंग भी करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है इस सेक्टर के बारे में, तो हम उनसे भी बात करेंगे इस सेक्टर के बारे में और उनसे हम इस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर इस सेक्टर में क्यों अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या रीज़न है। तो मैं आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये सेक्टर पूरा दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे यही सेक्टर है तो बहुत लंबे चौड़े में ये सेक्टर, बट डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने कम्प्लीशन ले रखा है, ये है कम्प्लीशन बना रखे हैं। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं अपने जो मेरे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे। ये वो पूरा सेक्टर है, नमस्कार, मैं संजय कुमार और इस समय मैं पहुंच गया हूं नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16B में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एक साल पहले एक वीडियो दिखाया था सेक्टर 16B के बारे में ही, तो उस समय कुछ खास डेवलपमेंट नहीं थे, तो मैंने सोचा कि फिर से इस प्रॉपर्टी का, इस सोसाइटी का एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए और जो भी डिटेल्स हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाए। तो इस समय मैं पहुँच गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये टोटल सेक्टर 16B है, ग्रेटर नोएडा में ये आता है। तो चलिए मेरे साथ जयदेव जी हैं, इस सेक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार इनसे इस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए एक बार हम इनसे बात करते हैं।
मेरे साथ हैं। तो जयदेव जी, एक बार मुझे इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे दीजिए कि सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, जैसे ये 6% वाले किसानों की ज़मीन है ना, तो थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए कि 6% ये क्या है। ये 6% मोस्टली जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ किसानों का जब लैंड एक्वायर की थी, जो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है वो जब एक्वायर किया था, तो उनको मुआवजा दिया गया था। तो मुआवजे के बदले में इनको यहाँ पे डेवलपमेंट जगह में प्लॉट्स भी दिए गए थे। तो 6% इसलिए कहा जाता है जिसका जितना लैंड एक्वायर हुआ है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जितना लैंड एक्वायर किया है उसका 6% डेवलपमेंट के जगह पे इनको मुआवजे के तौर पे दिया गया है। ठीक, तो ये वो सेक्टर जो है वो जन आपका 6% किसान कोटे वाले सेक्टर है। ओके, और ये कब दिया गया था मुआवजा? ये मुआवजा पोजीशन की बात करूँ, 2015 में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 16B के लिए पोजीशन दे दिया था। और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो पोजीशन का टाइम होता है डेवलपमेंट का, वो 7 साल का होता है। ठीक है, तो 2015 में पोजीशन यहाँ मिला था, 2022 तक का इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने का टाइम है। जो यहाँ के प्लॉट से कुछ प्लॉट यहाँ पे रीसेल हो चुके हैं, कुछ अभी भी अलॉटियों के पास में है प्लॉट्स। और अगर बात करें इस सेक्टर के अंदर प्लॉट्स साइज की, तो 60 मीटर से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर तक के साइज के प्लॉट हैं। और रफली एक आइडिया थोड़ा सा दे दीजिए रेट के बारे में। रेट वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वीडियो क्या है ना, कि वीडियो तो खैर हमेशा वही बने रहेंगे, आज मैं अगर वीडियो अपलोड करूंगा तो ये साल दो साल तक रहेंगे, बट रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग बाद में ये मत कहना कि मतलब रेट आपने ये बताया और आज तो रेट ये चल रहा है। तो एक रफली आइडिया देने के लिए मैं आप लोगों को रेट बता दे रहा हूँ, बाकी टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो फिर आप लोग फ़ोन के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप लोग मुझसे रेट के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो जी हाँ, बताएं एक बार रेट। अभी जो करंट रेट जो आज की डेट में चल रहा है वो 28,000 रुपये मीटर से लेकर 45,000 रुपये मीटर के बीच का रेट चल रहा है। और ये जो सारा रेट है ये वेरी करता है प्रॉपर्टी की साइज में, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी के सामने जो रोड्स है वो किस साइज की है, प्रॉपर्टी कॉर्नर की है या प्रॉपर्टी रेगुलर है। तो कहीं ना कि प्रॉपर्टी की फेसिंग भी कहीं ना कि प्रायोरिटी रखती है इस सब चीज़ में। तो रेट आपका सारा का सारा उस चीज़ पे वेरी करेगा। ये नहीं है कि पर्टिकुलर अगर 100 मीटर की अगर हम बात करें तो 100 मीटर के काफ़ी अलग अलग रेट्स होते हैं, कॉर्नर के अलग से मिलेंगे, अगर उसके सामने यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी प्रकार की है, 6.5 मीटर की भी है, 7.5 मीटर की भी है, 9 मीटर की है, सबसे बड़ी रोड यहाँ पे 12 मीटर की है। और मैक्सिमम जो रोड्स हैं यहाँ पे वो 12 मीटर की ही है। और साइज़ की अगर बात करूँ तो 60 मीटर से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर तक के इस सेक्टर के अंदर साइज है। कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक मोटी गोल चक्कर है। ठीक है, और जो आपके ग्रेटर नोएडा का जो आपका मास्टर प्लान मेट्रो का है उसके अकॉर्डिंग 2025 तक यहाँ पे मेट्रो नॉलेज पार्क तक जानी है। ठीक है, तो उसके अभी तक काम उसका चल रहा है रनिंग के अंदर, तो 2024 और 2025 तक यहाँ पे मेट्रो कंटिन्यूसली हो जाएगी। वो आपका जो मेट्रो स्टेशन जो बन के तैयार होगा वो होगा आपका एक मूर्ति गोल चक्कर के पास। ठीक है, और वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस, वहाँ से मात्र आप 2 किलोमीटर की दूरी से आपकी डिस्टेंस रहेगी सेक्टर 16B। ठीक है, थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में मैं और जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे पार्क को दिया होगा, पार्क इसमें दिया हुआ है सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा पार्क दिया हुआ है। तकरीबन अगर उसके लैंड की अगर बात की जाए तो कम से कम 6 बीघे के अंदर एक बहुत बड़ा एक ही पार्क दिया हुआ है, लेकिन वो कम से कम 6 बीघे का पार्क है बहुत बड़ा। और उसी पार्क के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है दिया हुआ है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, तो प्राचीन यहाँ के जो खेत थे उसी समय का मंदिर था, तो उसी पार्क के अंदर वो मंदिर भी बना हुआ है प्रेजेंट टाइम पे। वो खास अभी डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ इस सेक्टर के अंदर जो देखने को मिल रहे हैं, वो मिनिमम इस कंप्लीशन जिसे बोलते हैं, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो पॉलिसी होती है कि आपका जो प्रेजेंट टाइम होता है उसके अंदर अंदर आपको मिनिमम जो एरिया डेवलप करना होता है 25% करना होता है टोटल प्लॉट एरिया का। तो लोगों ने अभी तक वही डेवलप कर रखे हैं, अपने कंप्लीशन ही बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई ज़्यादा आबादी हुई नहीं है। बट कंप्लीशन तो मुझे दिखा, कंप्लीशन अभी काफ़ी आप जैसे देखेंगे काफ़ी बनने इसमें स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी भी 2 साल का टाइम बचा हुआ है, वो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा आप भी देख रहे हो कि आपने यही रीज़न है कि अभी तक मतलब कंप्लीशन तक भी नहीं बन पाया, क्योंकि टाइम पड़ा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 7 साल का टाइम दिया, 7 साल का टाइम दिया और ये 15 का है, ये 2015 की 15 का। तो यानी कि देखा जाए तो आपके हिसाब से 1-2 साल के अंदर में कंप्लीशन भी हो जाएगा। हाँ, कंप्लीशन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा तो लोगों को बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनाएंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा थोड़ी उनसे पेनल्टी लगाई, तो इससे अच्छा है लोग बनाना स्टार्ट ही करेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये सारे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, क्यों आपका पंचशील ग्रीन हो गया, अजनारा हो गया, सारी की सारी सोसाइटियाँ इसके साथ। ठीक है,
तो ये तो रहा इस सेक्टर के बारे में जानकारी, सेक्टर 16 भी। इससे भी अधिक अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के थ्रू या नंबर के थ्रू डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।